ये देखिए, ये हमारा बहुत ही टेस्टी बर्फी बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए, ये कितना सॉफ्ट बना है। आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। हेलो एवरीवन, अमिता किचन में आपको वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैदे की बर्फी। ये बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बहुत ही आसानी से और बहुत ही सस्ते में बनाया जा सकता है। तो चलिए बनाते हैं मैदे की स्वादिष्ट बर्फी। मैदे की बर्फी बनाने के लिए हमने गैस पे एक कढ़ाई रखा है। इसमें हम 1/4 कप देसी घी डालेंगे, यानी 2 बड़े चम्मच हमने देसी घी डाला है। अब इसमें हम 1/4 कप मैदा डालेंगे। ये हमने 1 कप से थोड़ा कम मैदा लिया है और इसे हम लो फ्लेम पे धीरे धीरे भूनेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसकी खुशबू अच्छी आने लगे, बस उतना ही भूनना है। इसका कलर हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है। मैदे को थोड़ा भून के बनाएंगे तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। इसे हम लो फ्लेम पे 4-5 मिनट तक भूनेंगे। ये मिठाई हमारा बहुत ही सस्ते में और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसे हमने 4-5 मिनट तक लो फ्लेम पर भून लिया है। अब इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम गैस बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद भी इसे हम 1 मिनट तक चलाते रहेंगे, जिससे ये जलने ना पाए। अब इसे हम निकाल लेंगे। अब हम गैस पे फिर से कढ़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। हमने जिस कप से मैदा लिया है उसी कप से हम चीनी भी डालेंगे और उसी कप से हम 1/2 कप पानी डालेंगे। अब चीनी को हम अच्छे से गलने देंगे। अगर आप और मीठा करना चाहते हैं तो चीनी थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। मेजरमेंट के लिए आप 1 कप या बाउल रख लें तो उसी से 1/4 कप घी, 2/3 कप मैदा और 1 कप चीनी, 1/2 कप पानी डालें तो मिठाई आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। जब तक चीनी हमारा गल रहा है तब तक हम एक ट्रे लेंगे। इसे हम थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लेंगे। इसी में हम बर्फी जमाएंगे। चीनी हमारा मेल्ट हो गया है। अब हम इसका चाशनी तैयार करेंगे। हमें इसे 1 तार की चाशनी बनानी है। इसे हमें गाढ़ा करना है। चाशनी बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि चाशनी ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो बर्फी हमारा हार्ड हो जाएगा। अब चाशनी हमारा गाढ़ा हो गया है। हम इस तरह से लेके देखेंगे। ये देखिए, इस तरह से तार बनना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे और इसे हम बराबर चलाते जाएंगे, जिससे इसमें लम्ब ना पड़ने पाए। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसे ना डालें, बिना मिल्क पाउडर के भी बना सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर डालने से इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों अच्छा हो जाता है। ये थोड़ा मावा जैसा इसका टेस्ट हो जाता है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे, इससे इसकी खुशबू अच्छी आएगी। आप इसमें इलायची पाउडर, गुलाब जल या अपने मनपसंद का कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं। अच्छे टेस्ट के लिए हम इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा हो गया है। अब इसे हम निकालेंगे। अब हम इसे गरम गरम ही ट्रे में डालेंगे। हमने सारा मैदा ट्रे में डाल दिया है। अब इसे हम चिकना कर लेंगे और चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। इसे हमने अच्छे से फैला दिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल डालेंगे। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसका गार्निशिंग कर सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे, जिससे नारियल हमारा अच्छे से बैठ जाए। बीच बीच में हम छोटा छोटा बादाम रख देंगे। अब हम इसे बंद करेंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 10 मिनट में अच्छे से हमारा जम जाएगा। आप इसे बाहर भी 15-20 मिनट रख दें तो बाहर भी आसानी से जम जाता है। 10 मिनट हो गया है। अब इसे हम काट लेंगे।
आप इसका छोटा बड़ा जैसा पीस बनाना चाहें बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा बहुत ही टेस्टी बर्फी बनके तैयार हो गया है। आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। आप इसे बनाएं, खाएं और कमेंट करके बताएं कैसा बना है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।